खबर दिन भर, मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के सुबोध पीजी कॉलेज में 3 दिवसीय टेक्नोलॉजी डे आयोजित किया गया, जिसका आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर समापन किया गया। इस अवसर पर 17 स्कूल और 7 महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए मॉडल को शिविर में प्रस्तुत किया और उनके कार्य करने की प्रणाली को समझाया। पुलिस की वर्दी में रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों के लिए कोटा SP अमृता ने सख्त आदेश जारी किए। अमृता ने बताया कि पूर्व में पुलिस मुख्यालय जयपुर से आदेश निकाले गए कि कोई भी पुलिस कर्मी वर्दी में वीडियो या रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करा पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपना पुलिस का कर्मचारी वर्दी में किसी भी तरह से रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा। अगर आज के बाद से किसी ने कोई रील सोशल मीडिया पर डाली तो उसके विरुद्ध तुरंत प्रभावी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसीलिए स्ट्रिक्टली ये सबको आप मैसेज करवा दीजिएगा, वर्दी में कोई भी सोशल मीडिया पर अपनी रील्स नहीं डालेगा। और टोक के गालोद घाट पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे पुल के निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई। जिले में आई आंधी के चलते कई टन वजन का पुल का हिस्सा टूटकर नीचे नदी में गिर गया। गनीमत रही कि देर शाम और मौसम खराब होने के कारण नीचे कोई मौजूद नहीं था। राजस्थान के साचौर में 5 दिन की हनुमान कथा कार्यक्रम को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साचौर पहुंचे, जहां उन्होंने कथा कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, आपकी एक टिप्पणी थी जिसमें आपने कहा था कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। टिप्पणी नहीं है, हमारा संकल्प है। तुम्हें टिप्पणी नहीं जा रहा है? कोई किस खेत की मूली? बांग्लादेश में रह जाएगा। हमारा संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है माय डियर, और बनकर के रहेगा। जिस दिन राजस्थान के वीरों ने जाग लिया, जिस दिन राजस्थान के वीर जाग गए, जिस दिन हमारे राजस्थान का युवा जाग गया, ये वीरों की भूमि है। यहाँ का तो घोड़ा चेतक भी महान होता है। जिस दिन यहाँ के लोग जाग जाएंगे उसी दिन भारत दिलों में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। बेझिझक 125 बार से ज्यादा संविधान में संशोधन हुआ है, और हिंदू राष्ट्र के लिए अगर एक बार और संशोधन होता है तो कौन सी बुराई। सोशल मीडिया पर चल रही रीट परीक्षा बंद होने के भ्रामक दावों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से बयान जारी किया गया है। इसमें बताया गया, प्रदेश में शिक्षा भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने की प्लानिंग के लिए अधिकारियों से बात की है। इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान में रीट बंद कर दी जाएगी। बता दें, शुक्रवार को सोशल मीडिया पर मदन दिलावर के बयान के साथ यह दावा किया जा रहा था कि राजस्थान में रीट बंद हो सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग खेल रही दिल्ली कैपिटल्स टीम को तगड़ा झटका लगा है। उनके कप्तान ऋषभ पंत को सस्पेंड कर दिया गया है। ऋषभ पंत को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स के स्लो ओवर रेट अपराध के कारण एक मैच के लिए बैन किया गया है। वही पंत पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली आबकारी मामले में शुक्रवार को जेल से रिहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को मीडिया को संबोधित किया। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो विपक्ष के सभी नेता जेल में होंगे। अभी ये केरल के सीएम के पीछे पड़े हैं, मुझसे हलफनामा लिखवा लो। ये चुनाव जीत गए तो ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव जेल के अंदर होंगे। इन्होंने अपने नेताओं की राजनीति खत्म कर दी। अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये चुनाव जीत गए तो 2 महीने के अंदर यूपी का सीएम बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उसे धोखेबाजों का जमावड़ा करार दिया और लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। हरियाणा में एक रोड शो के दौरान नड्डा ने विपक्षी दल पर वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और चुनाव के बाद उसे विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में डबल इंजन सरकार बनेगी और उड़ीसा में भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री वही बेटा या बेटी बनेगा जो उड़ीसा भाषा संस्कृति को समझता हो। भारत निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण के मतदान का वोटिंग परसेंटेज जारी किया। इलेक्शन कमीशन के अनुसार तीसरे चरण में 65.68% मतदान दर्ज किया गया। 7 मई को 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 53 सीटों पर तीसरे चरण का चुनाव हुआ था। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।